इंदौर लोकसभा सीट को लेकर 19 मई को मतदान होना है। इसको लेकर दोनों दलों के नेता जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी के तहत केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इंदौर पहुंचे और जमकर आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय राजनीति में झूठ बोलने के एक्सपर्ट नेता है ये। वही कहा 23 मई के बाद राहुल गांधी की स्थिति और खराब होने वाली है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा प्रियंका गांधी को नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी से आंख मिलाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए, गांधी खानदान के पास नहीं है। दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं दिग्विजय सिंह, भोपाल सीट पर उनकी करारी हार होगी। झूठ बोलने में भारतीय राजनीति में सबसे अधिक एक्सपर्ट आदमी और उनके जितने सलाहकार हैं उन्होंने कहा सच कहने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसलिए बड़ा बड़ा झूठ बोलो। इसलिए सिर्फ झूठ की ही राजनीति राहुल गांधी कर रही है। मैं तो आप सब लोगों के माध्यम से जनता को भी कहना चाहता हूँ, आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ, कमलनाथ को खड़ा करने से क्या होगा? चुनाव चल रहा है, चुनाव में सभाएं हो रही हैं, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र की सभा में जाकर पूछो लोगों से, अगर कोई किसान ये कहे कि हाँ मेरा कर्जा माफ हुआ है तो मानना चाहिए। राहुल गांधी बोलें कमलनाथ बोलें इससे क्या होने वाला? और कमलनाथ जी को भी मैं कहना चाहता हूँ कर्जा माफ मुख्यमंत्री के आर्डर से नहीं होता, राहुल गांधी का तो आर्डर कहीं भी चलता ही नहीं है, इसके लिए वो अधिकृत नहीं है। किसी भी किसान का कर्जा माफ करना है तो मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से पैसा निकाल के बैंक में जमा करो और बैंक से जीरो बैलेंस का सर्टिफिकेट उस किसान को दिलवाओ, ये कर्जा माफी होती है। ऐसी कर्जा माफी हमने उत्तर प्रदेश में की थी, 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। सुंदरलाल पटवा जब हमारे मुख्यमंत्री थे उस समय हम लोगों ने की थी 700 करोड़ रुपए की कर्ज माफी। फिलहाल लोकसभा चुनाव का आखिरी दौर चल रहा है और दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं।